हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 4, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन वन शॉट। मींस कि इस सिंगल वीडियो के थ्रू हम लोग जितने भी इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको देखने वाले हैं। ये यूनिट टर्म टू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक का मतलब होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अगर हम लोग बिजनेस के माध्यम से इसको समझे तो इसका मतलब है टू स्टार्ट अ बिजनेस। टू अंडरटेक का मतलब होता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो क्या करते हैं, नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचकर या उसका मार्केटिंग करके या किसी को सर्विस प्रोवाइड करके वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर से कुछ पैसे या प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी व्यूड एज अ फंक्शन ऑफ, यानी किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को देखा जा सकता है या क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसका, तो देखते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग द अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इन द मार्केट। पहला जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है कि अगर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसी अपॉर्चुनिटी को जो मार्केट में एग्जिस्ट हो। दूसरा जो फंक्शन है वो है कन्वर्टिंग द आइडिया इन टू एक्शन। जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि कोई आइडिया है और उसको क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस बना लेते हैं। तीसरा देखते हैं, अंडरटेकिंग प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ टू लॉन्च एन एंटरप्राइज। वो क्या करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसका प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट है डिटरमाइंड फॉर एक्सीलेंस इन हिज हर फील्ड ऑफ वर्क। वो क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक्चुअली में अपने, मतलब जो उनको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में वो अच्छे हैं उसमें वो एक्सीलेंस करते हैं। मीन्स कि डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है। बियरिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। वो क्या करते हैं, ढेर सारे रिस्क लेते हैं और वो रिस्क से कभी भी नहीं डरते हैं। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कि जो काम करते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मीन्स कि ढेर सारे लोगों का हेल्प लेते हैं और वो हेल्प भी करते हैं एक दूसरे का। नेक्स्ट है स्टेप इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर आर एज फॉलो। अगर आपको नए बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके कौन कौन से, हम बोल सकते हैं, स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है आइडिया। अगर आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, एक आइडिया होना आपके दिमाग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कम अप विथ अ बिजनेस आइडिया, इट कुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट मार्केट कंडीशन। यानी आइडिया किस तरह का होना चाहिए, एक ऐसा आइडिया जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या उस आइडिया का मार्केट में डिमांड हो, तो ऐसी आइडिया आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी चीज, गेटिंग मनी एंड मटेरियल्स। दूसरा जो स्टेप है, मीन्स कि किस तरह से आप पैसे आपको मिलेंगे और किस तरह से आप मटेरियल्स को परचेज करेंगे, ठीक है। दिया है वंस यू हैव द आइडिया यू कैन स्टार्ट ऑन ए स्मॉल स्केल। कहने का मतलब कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप काफ़ी स्मॉल स्केल में अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, ना कि आप ज़्यादा एक ही बार में इन्वेस्ट करें। विच हेल्प यू इन अ बाइंग बेसिक मटेरियल। अगर आपके पास कमी पैसे हैं तो कमी मटेरियल खरीदिए, ठीक है, और स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तीसरा जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। मीन्स कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, मटेरियल्स है, तो आपको समझना होगा कि जो कस्टमर है, जो अगला पर्सन है, उसको क्या जरूरी है, मीन्स कि उसकी क्या नीड्स है। वंस यू स्टार्ट सेलिंग यू विल फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर लाइक्स एंड वांट्स। अगर आप किसी भी चीज़ को बेचना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि जिस एरिया में जो भी चीज़ आप बेच रहे हो तो उस एरिया में किस तरह का प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, किस तरह का डिमांड उनको है। यू विल आल्सो फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर डज नॉट लाइक ड्यूरिंग दिस स्टेज। और आपको पता, ये भी बात पता चलेगी कि जो कस्टमर्स हैं उनको क्या पसंद नहीं है। नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है, इंप्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज।
यानी अगर एक बार अपना मीन्स कि प्रोडक्ट आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो तो आप क्या करो उसको इम्प्रूव करो, अपने सर्विस को क्या करो इम्प्रूव करो, या आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करो, उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। यू कैन यूज़ दिस नॉलेज ऑफ व्हाट योर कस्टमर लाइक एंड डज नॉट लाइक टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट। इसके बाद से आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं किस तरह के कस्टमर को चाहिए, किस तरह के कस्टमर को नहीं चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हो और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी चेंजेस ला सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है और सोसाइटी है, ठीक है, वो दोनों किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हैं, तो देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, हेल्प करता है या काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटीज में, ठीक है। मीन्स कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो सोसाइटी के लोग होते हैं क्या करते हैं, उनके बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं उनके बिजनेस के कुछ स्टॉक वगैरह खरीदते हैं, जिससे क्या होती है जो सोसाइटी होती है उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी एज फॉलो, मीन्स क्या क्या रोल है सोसाइटी की एंटरप्रेन्योरशिप में देखते हैं। पहला है हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो हेल्प करते हैं वेल्थ यानी धन को बढ़ाने में, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जॉब्स, जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यानी दूसरों को नौकरी देते हैं या अपने वहाँ नौकरी पर रखते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन, जो बिजनेसमैन होते हैं वो नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ताकि उनका जो काम है या प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम टाइम में हम बोल सकते हैं तैयार हो सके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, उनकी जो रीजनल डेवलपमेंट होती है मीन्स कि जिस एरिया में वो रहते हैं वो जो डेवलपमेंट होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, मीन्स जो जहाँ पे क्या होती है बिजनेसमैन होते हैं और जो वहाँ पे उनके वहाँ काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कुछ पैसे उनको मिलते हैं जिससे उनकी हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है बढ़ जाता है पीपल का या इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एक तरह का एक इंडिविजुअल होता है यानी एक पर्सन होता है या व्यक्ति होता है जो नए बिजनेस को स्टार्ट करता है या नए बिजनेस को क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयमेंट मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको काफ़ी रिस्क भी लेने पड़ते हैं लेकिन जब वो सक्सेस हो जाता है तो उसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, वो काफ़ी एंजॉयमेंट होती है और उसको ढेर सारे रिवार्ड्स भी मिलते हैं। रिवार्ड्स का मतलब कि जो वो मेहनत किया रहता है उसके बदले कुछ उसको प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो एंटरप्रेन्योर मींस के जो बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो पहला जो क्वालिटी है वो है प्लानिंग, वो क्या करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने से पहले वो प्लान करते हैं। दूसरी चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन, वो अपने आप को लेकर काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं मींस कि उन अपना क्या करते हैं वो टाइम टेबल मेंटेन करके रखते हैं कि हमें इतने बजे तक ये काम करने हैं और जो उनका जो काम होता है वो एक टाइम स्लॉट में डिवाइडेड रहता है हमेशा। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के मतलब कि वो जो अपने काम करते हैं वो काफ़ी एक्यूरेसिस करते हैं, उसमें वो अपनी मतलब कि गलतियाँ नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बातों को लेकर अपने हम बोल सकते हैं डिसीजन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस होते हैं। सेल्फ स्टार्टर मीन्स कि ये सेल्फ स्टार्टर होते हैं, ये किसी दूसरे से हेल्प नहीं लेते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, कहने का मतलब कि ये खुद पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। रिस्क टेकिंग, जो बिजनेसमैन होते हैं काफ़ी रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं, काफ़ी रिस्क लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन भी काफ़ी अच्छे लेते हैं, ये किसी डिसीजन को लेने के लिए वो दूसरे से राय नहीं लेते हैं, ये सिर्फ सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। कम्युनिकेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी का मतलब कि जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं उनको बात करने का तरीका आता है कि किस तरह से हमें कस्टमर से बात करना है। बिजनेस सेक्रेसी, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं अपने बिजनेस को लेकर सेक्रेट रखते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है या जो भी उनका मटेरियल्स है, ठीक है, उसके जो फार्मूला होते हैं वो दूसरे को नहीं बताते हैं। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, लास्ट जो है ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, ये जो बिजनेसमैन होते क्या करते हैं दूसरे से रिलेशन बनाने में काफ़ी
क्या होते हैं, तेज होते हैं, मीन्स कि आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं वो कि आप क्या होते हो उनके वहाँ से बार बार कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई प्रोडक्ट हमेशा हमेशा उनके वहाँ से आप मीन्स कि खरीदते हो और दूसरे लोगों को बताते भी हो, तो वो क्या करते हैं कि ये रिलेशन एबिलिटी भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या रोल होते हैं बिजनेसमैन के और क्या क्या उनके हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व होता है, तो देखते हैं। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम वो स्टार्ट करते हैं काफ़ी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, वो मीन्स के छलांग लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ विज़न, जो भी काम हम बोल सकते हैं वो करते हैं एक विज़न होता है कि हमें यहाँ पर पहुँचना है या हमें हमारे कंपनी को हमारे बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है। मोटिवेशन, वो हमेशा मोटिवेटेड होते हैं अपने काम को लेकर। वाइड नॉलेज, उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वे अकेले सोचते हैं। विलिंगनेस टू अज्यूम रिस्क, और वे हमेशा तैयार रहते हैं रिस्क उठाने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहते हैं, उनके पास काफ़ी मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, वो घबराते नहीं हैं। गुड ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है कि किसी भी काम को वो छोटे छोटे स्लॉट में बांटकर वो करते हैं, मतलब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी काम को। हाईली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कम्युनिकेशन भी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और टीम प्लेयर होते हैं मीन्स कि वो टीम में काम करते हैं या किसी टीम को हायर करते हैं अपने लिए काम करने के लिए। टेक्निकल नॉलेज भी उनके अंदर होता है, डिज़ायर फॉर हाई अचीवमेंट, और उनके अंदर ये डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि मैं काफ़ी सक्सेसफुल हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन बनूँ जो कि काफ़ी पैसे कमा सकूँ। नेक्स्ट है मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या तथ्य हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। पहले दो लाइन पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ ड्रीम फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एवरी एंटरप्रेन्योर ट्राई हिज बेस्ट टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप है मीन्स कि जो बिजनेसमैन एक ऐसी चीज़ है या बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो लाखों लोग चाहते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँ और जिससे कि मैं ढेर सारे पैसे बना लूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, और इसमें एक और फ़ायदा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं एक्चुअली में वो खुद अपना बॉस होते हैं और अपने लिए खुद काम करते हैं, मीन्स कि उनको दूसरे के लिए काम नहीं करना पड़ता है और ना ही उनके वो जो होते हैं दूसरे के सामने झुकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो क्या क्या मीथ है इसके बारे में, पहला मीथ देखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कुछ लोग सोचते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो जन्म से ही बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिजनेसमैन आपको भी बनना है तो मीन्स कि इसके बारे में कुछ हम बोल सकते हैं रिसर्च करनी होती है और आपको काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करनी होती है कि मीन्स कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, किस तरह के प्रोडक्ट पर काम करना है और किस तरह के हम बोल सकते हैं बिजनेस या किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। दूसरी चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप आर रिच, दूसरी चीज़ है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो काफ़ी धनी होते हैं, तो ऐसे बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत से गरीब लोग पहले थे कि अब क्या हो गया काफ़ी बड़े बड़े वो बिजनेसमैन बन चुके थे। ऐसी बात नहीं है कि आप धनी रहेंगे या काफ़ी धन रहेगा आपके पास तभी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। नेक्स्ट जो मिथ है वो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे पास ढेर सारे पैसे नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। आप छोटे स्केल पर भी या स्मॉल स्केल पर भी आप ट्राई कर सकते हो बिजनेस में। हम लोगों ने इसमें पहले ही पढ़ा है कि हमें कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए तो हमें स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहिए ताकि अगर हमें हमारी लॉस भी हो तो हम उसको बर्दाश्त कर सकें या सह सकें। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर्स टेक रिस्क, हाँ ये सही है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, अगर उनकी जो बिजनेस है फेल हो जाए तो वो काफ़ी घाटे में जा सकते हैं, तो ये रिस्क होता है बहुत बड़ा। एंटरप्रेन्योरशिप आर मेनी ड्राइवर्स, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ऐसा कहा जाता है कि मनी ड्राइवर्स मीन्स कि उनके पास ज़्यादा पैसे होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि पैसे लगते हैं, तो ये मतलब बोल सकते हैं एक बैलेंस है, मीन्स कि आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट तो करने ही पड़ेंगे अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है यू विल हैव योर फ्रीडम, हाँ ये सही है कि अगर आप क्या करते हो कोई बिजनेस करते हो तो आपके पास फ्रीडम होती है, लेकिन ये है कि 24/7 मीन्स कि आपको 24 घंटा क्या होता है आपको काम करना होता है। काम करने का ये मतलब नहीं कि आप जाकर कंपनी में काम करो, कहने का मतलब कि आपको सोचना पड़ता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस तरह होगी, तो मीन्स कि आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है या हम बोल सकते हैं प्रेशर होता है।
ऑल यू नीड इज एन आइडिया। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ अगर आपके पास आइडिया हो तो आप अच्छा कर सकते हो, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आइडिया के साथ साथ आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, या आप किस एरिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरह के हम बोल सकते हैं मार्केट डिमांड होनी चाहिए, मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट है उस जगह पर बिकेगी या नहीं। नेक्स्ट है यू शुड बी हार्ड वर्किंग। हाँ सही है, मीन्स कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मीन्स कि यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा किसी भी काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शंस। क्या हम लोग बिजनेस को एक करियर ऑप्शंस के तौर पर ले सकते हैं? तो देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आर इंडिपेंडेंट माइंडेड इनोवेटिव बिजनेस पीपल हु हैव स्किल सेट्स विच मेक देम सेल्फ स्टार्टर। जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो अपने खुद के दिमाग से सोचते हैं, वे काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, जिनके पास स्किल सेट्स है वे क्या करते हैं अपने खुद से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं जो बिजनेसमैन है वो एक तरह का आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, या एजुकेटर है वो भी बिजनेसमैन हो सकता है, प्रोफेशनल है वो भी बिजनेसमैन हो सकता है, या होम मेकर है, रेस्टोरेंटर है, ठीक है, या बिजनेसमैन है, ये सारे क्या हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये किस तरह से हो सकते हैं, उनको किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, कहीं पे काम करना होगा, या हम बोल सकते हैं कुछ इन्वेंट करना होगा, तभी वो एज ए बिजनेसमैन हो सकते हैं। पहला जो पॉइंट है देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनीज एंड इवन इंडस्ट्रीज। जो बिजनेसमैन होते हैं वे किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, या किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्रिएशंस इंक्लूड लॉन्चिंग कंपनी, बाइंग बिजनेस, टेकिंग ए फ्रेंचाइजी। मीन्स के जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, एक्चुअली में किसी कंपनी को लॉन्च करते हैं, किसी बिजनेस को खरीदते हैं, या बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप करियर ऑप्शंस इसको चूज करना होगा या आप चूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी को सर्विस दीजिए या प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए या कोई कंपनी स्टार्ट करिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस को एज ए करियर ऑप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें हैं बट मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी टाइम लंबा हो जाएगा वीडियो, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योर, यानी अब ये शॉर्ट में बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एक तरह के पीपल होते हैं या कोई इंसान होता है जो वो किसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना चाहता है या ऑर्गेनाइज करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि क्रिएट एंड एस्टेब्लिश बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या क्रिएट करना चाहता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। दूसरी चीज़ है व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट डू यू मीन बाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, रेजिंग कैपिटल, अरेंजिंग लेबर एंड रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो हम बोल सकते हैं एक तरह के प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने का, या किसी लेबर को हायर करने का, या रॉ मटेरियल को खरीदने का, या किसी बैंक से पैसे लोन लेने का जिससे कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है एंटरप्रेन्योर के। पहला इकोनॉमिक, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड ऑपरेशंस ऑफ एंटरप्राइज विद अ न्यू टू क्रिएटिंग वैल्यू एंड वेल्थ बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक मीन्स की जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन है उनको पैसे चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, किसी भी कंपनी को स्टार्ट कर सकें या किसी बिजनेस को स्टार्ट करें जिसके लिए उनको इकोनॉमिक जरूरत होती है। दूसरा इनोवेशन मीन्स कि उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी होगी अपने प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट को बनाने में, तभी वो क्या हो सकते हैं, एक्चुअली में वो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कुछ न्यू क्वालिटी ऐड कर दिया अपने प्रोडक्ट में, तो इस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट पोटेंशियल, उनको अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हो तो उससे पहले चेक करना होगा जिस फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट किए हो क्या उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, तो प्रॉफिट भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग, मीन्स कि आपको रिस्क
जो होता है उसको छहने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपको जो पैसे कुछ लॉस हो गए तो आप उसको मीन्स कि आप उसको बियर कर सको, सह सको। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेसमैन है उनके पास बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, मीन्स कि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले सके। मैनेजेरियल स्किल्स का मतलब होता है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि अगर कहीं पर ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो किस तरह से आप उनको हम बोल सकते हैं मैनेज करेंगे या किस तरह से काम करवाएंगे, तो मैनेजेरियल स्किल भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग, इसका मतलब होता है इट इंप्लाइज स्किल्स टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि किस तरह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनवाते हो, ठीक है, बिल्ड करवाते हो, ये भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज हेल्पफुल टू सोसाइटी एक्सप्लेन। जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेस है वो सोसाइटी को किस तरह से हेल्प कर रही है, तो पहला है हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग। पहला जो चीज़ है, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग जो होते हैं आपके जो स्टॉक है वो खरीदते हैं, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट होता है, आपको भी प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज़ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जॉब्स। जो हम बोल सकते हैं बिजनेस है वो लोगों को जॉब दे रही है, या जो बिजनेसमैन है वो लोगों को हायर कर रहे हैं, अपने वहाँ जॉब के लिए रख रहे हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स यूज बिजनेस टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट सॉल्व, मीन्स कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए इनोवेशन मीन्स कि नए नए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। क्या होता है कि मी इसका मतलब होता है एनश्योर सेटिंग ऑफ अ न्यू बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हेल्प विथ रीजनल डेवलपमेंट बाय लोकेटिंग लेस डेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरिया, मीन्स कि अगर कहीं पे बैकवर्ड एरिया में आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो वहाँ के अगल बगल के लोग होते हैं उस इंडस्ट्री में काम करने लगते हैं, जिनकी क्या होती है वहाँ से उनको कुछ पैसे मिलने लगते हैं और उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो चेंज हो जाती है, मीन्स कि बदल जाती है थोड़ा सा। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स, यानी कुछ पैसे कमाते हैं लोग वहाँ के, जहाँ पर आप बिजनेस को स्टार्ट किए हो तो वहाँ का जो रहन सहन है वो चेंज हो जाता है, मीन्स कि थोड़ा बदल जाता है और वे मतलब कि अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं और अपने लाइफ को भी अच्छे से बिता पाते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। किस तरह से हम लोग बिजनेसमैन को एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हैं ये भी देख लीजिए। पहला है पॉइंट एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट प्रोडक्ट सर्विस कंपनीज एंड इवन इंडस्ट्रीज। पहला जो चीज़ है, जो बिजनेसमैन होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी को सर्विस देते हैं या कंपनी को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्रिएशन इंक्लूड लॉन्चिंग कंपनी। अगर नए नए जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, कंपनी को लॉन्च करते हैं या किसी बिजनेस को खरीदते हैं या किसी जगह से फ्रेंचाइजी लेते हैं अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ज्वाइन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एज ए वर्किंग इन्वेस्टिंग पार्टनर। क्या कर सकते हो, अगर कोई पहले से कंपनी चल रही है तो वो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे अपने कुछ हम बोल सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, या उनके पार्टनर भी बन सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिस्ट द वे इन विच एन एंटरप्रेन्योर इफेक्ट आ सोसाइटी। क्या क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस जो है ना वो क्या कर रहा है सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। तो पहला है फुलफिल कस्टमर नीड्स। पहले जो चीज़ है, जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं सोसाइटी की जितने भी नीड होती है उसको फुलफिल करते हैं, यानी कुछ कुछ प्रोडक्ट चाहिए जो उस समाज में इस सोसाइटी में नहीं है तो प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देते हैं किसी दुकान पर, तो वहाँ से जाकर लोग सोसाइटी के लोग क्या करते हैं खरीद लेते हैं, यानी उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ यूज लोकल मटेरियल्स। वो क्या करते हैं लोकल मटेरियल्स को यूज करते हैं, ठीक है, और उसी को एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि लो प्राइस पर वो बेच सके, जिससे कि फ़ायदा होती है सोसाइटी की। हेल्प सोसाइटी का मतलब दे मेक अ प्रॉफिट थ्रू एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट सोसाइटी, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस तरह से अपने बिजनेस को चलाते हैं कि उनका थोड़ा सा भी फायदा हो और जो सोसाइटी है उनको भी कुछ फायदा हो। क्रिएट जॉब, जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं मैंने पहले बता दिया वो क्या करते हैं जॉब को क्रिएट करते हैं, दूसरों को जॉब देते हैं। शेयरिंग ऑफ वेल्थ मीन्स कि एंड एज अ एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेसेस द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड रिलेटेड बिजनेस आल्सो ग्रो। यानी जब बिजनेस चलता है ना तो वो क्या करते हैं किसी पर्सन को अपने वहाँ रखते हैं, मीन्स कि वो काम पर रखते हैं और उनकी जो सैलरी होती है उनकी भी सैलरी बढ़ाते जाते हैं, उनको भी फायदा मिलता है और उनकी जो कंपनी है बिजनेसमैन को उनकी कंपनी भी ग्रो करती है। नेक्स्ट आता है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। और जो कंपनी है ना बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं अपने हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट को कम पैसे पे बेचते हैं।
नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू थिंक आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, सो राइट योर आंसर्स गिविंग द सुटेबल एग्जांपल्स, यानी क्या क्या फंक्शंस होती है एंटरप्रेन्योरशिप के वो बताना है आपको। तो पहला होता है डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन काफी अच्छे से लेते हैं, मतलब कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं। दूसरा है मैनेजिंग द बिजनेस, उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाते हैं। डिवाइड इनकम का मतलब होता है कि अपने जो पैसे होते हैं ना वो क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। डिवाइड करने का मतलब होता है कि उनका रेंट कितना देना है, या जो लोग उनके वहाँ काम कर रहे हैं उनको कितने पैसे पे करने हैं, या जहाँ से उन्होंने मटेरियल प्रोडक्ट खरीदा उनको कितने पैसे पे करते हैं। तो वो जो उनका बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने पैसे को डिवाइड करके रखते हैं, किनको किनको देना है वो सारे हिसाब करके रखते हैं। टेकिंग रिस्क, काफ़ी रिस्क लेते हैं। न्यू मेथड और आइडिया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसकंसेप्शंस एंड रियलिटी, मिसकंसेप्शंस क्या होता है और रियलिटी क्या होता है, ठीक है देखते हैं। मिसकंसेप्शंस का मतलब, अ मिथ और अ मिसकंसेप्शंस इज अ फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। मिसकंसेप्शंस का मतलब होता है कि ऐसी फेक चीज़ें या गलत चीज़ें, ठीक है, जो दूसरे के बारे में कहा जाता है। एग्जाम्पल, इफ यू थिंक टाल पीपल रन फास्टर देन शॉर्ट पीपल, ठीक है, अगर हम सोचते हैं जो लंबे लोग हैं, ठीक है, वो तेज दौड़ सकते हैं छोटे लोगों से, तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। छोटे लोग भी लंबे लोगों से तेज दौड़ सकते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से मिसकंसेप्शन यानी झूठी बातें हैं। रियलिटी क्या होता है, रियलिटी मीन्स द थिंग्स विच एक्चुअली एग्जिस्ट। रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, जो सही में एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो उसको बोलते हैं रियलिटी। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एक सिंगल वीडियो में, इन वन शॉर्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।